बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो है आज के नाम है कंटेंट, आज मैं आपको फर्स्ट डे के केमिस्ट्री के शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जो था वो ज़रूरी था ताकि आप लोग भी समझ सकें और मैं भी समझा सकूँ थोड़ा बहुत। देन आप ये देख सकते हैं 12 चैप्टर हैं, सही है ना। उसके बाद जो लेंथी चैप्टर, उसमें सबसे बड़ा लेंथी 4 है, सही है। फिर 2 है, 8 है, बस बाकी इतने लेंथी नहीं है। बाकी 3.5 और 4 तक है, सही है ना। 4 तक 3 है, 4 तक 4 हैं, एक ये दो और ये दोनों टॉपिक्स, ये 5 तक है, ये 5 तक है, 5.5 1.5, तो 7 2 7 है और 1 10 तक है, सही है। तो ये टॉपिक्स हैं, सही है। आप देख लें थर्मोकेमिस्ट्री है और कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि अगर हम 9 मिनट के बेस के हिसाब से बोलें जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आए होंगे, तो उनके लिए ये गैस ऑटो केमिस्ट्री ये नया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये तो पुराना है, पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। थ्योरी एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा हुआ है। स्टेट ऑफ मैटर आई गैस, तो मतलब स्टेट ऑफ मैटर है तो पढ़ा हुआ ही होगा। फिर ये इन्होंने चेंज कर दिया इसको, लिक्विड सॉलिड 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया, हालांकि गैस का बड़ा है इनके 5। फिर है ये केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा है ज़रूर। केमिकल काइनेटिक नहीं पढ़ा, सॉल्यूशन एंड ये भी नहीं पढ़ा, सॉल्यूशन तो पढ़े लेकिन। उसके बाद हमारे पास ये आ गया थर्मो केमिस्ट्री और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ये दोनों भी पढ़े हैं, कभी कराए। तो ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर यहाँ से जो स्टार्ट होता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी है। अच्छा, ये जो है ना ज़्यादातर फर्स्ट, अगर 9 में किसी ने पढ़ी होगी बुक, तो उसमें जो शुरू के चैप्टर थे जिसके अंदर 4 लॉस थी, एवोगाड्रो था और मास नंबर थी, मोल था, मॉलिक्यूल था, तो वही था, वही जो सब एटम्स वगैरह आ रही हैं और वही जो 4 लॉस आई हुई थी वही इस पर अप्लाई हो रही हैं, और वही जो है ना वो इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल्स भी वही वाले आए हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर याद हो किसी को तो, ये वही वाले हैं। फिर उसके अंदर थोड़ी सी एडवाइस पता है, एडिशन तो होगी, हाई क्लास हाई वाइली जो है वो स्टडी होगी, जो आपने पढ़ा वही तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो देन वो खुले अल्फाज में तमाम चीज़ ड्रॉप करते हुए ये है, यह पास है यहाँ तक। इसमें ये एक चीज़ और बहुत अच्छी कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स के आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, तो आंसर इसमें आपको मिले हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है इसके अंदर। और MCQ सॉल्व तो नहीं है, हाँ MCQ सॉल्व नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल से वो जरूर उन्होंने सॉल्व करे हुए आंसर दिए हुए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये, नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन इसके अंदर जो कलर बताए हुए हैं तो कलर से पढ़ने में जो जो मज़ा आता है और जो समझ में आता है वो बहुत अच्छा होता है, समझ में आ गई। देन ये हमारे पास है कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, सही है। रेनबो ही हमने फिज़िक्स में पढ़ा था, सही है। सही है ना, अल्फा बीटा गामा ये पढ़ा हुआ है, सही है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए या आपको भाभी की बुक देखनी है, इंग्लिश की बुक देखनी है, तो ज़रूर आप मुझे आप कमेंट्स करें, देन मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ, सही है। इंशाल्लाह फिर कोर्स भी स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।